नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी और आज 23 अगस्त है और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग हुई तेज। बीजेपी बोली, अब पाकिस्तान जल्द दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपे। भारत ने कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान को किया खारिज। देश में कोरोना लगातार पसार रहा है अपने पैर। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है रेलवे। श्रद्धालुओं के लिए 26 अगस्त से खुलेगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जानिए कब तक भारत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। आरोग्य सेतु ऐप में आया नया फीचर। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पार्टी के बड़े नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव करने की मांग की है। कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने, जिनमें 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों और शशि थरूर जैसे सांसद, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा 88 गैर सामाजिक संगठनों सहित हासिफ सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम समेत उनकी आकाओं पर कड़े वित्तीय रोक लगाए जाने के बाद भाजपा ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई के मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम को तुरंत भारत के हवाले करें। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहली बार कल खुले तौर पर यह स्वीकार किया था कि दाऊद उसके यहाँ है, जो आज मुकर गया है। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने पाकिस्तान और चीनी की बेतुकी बयानबाजी का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और उसे उम्मीद है कि पाकिस्तान और चीन देश के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम चीन पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के संयुक्त प्रेस बयान को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। जहां भारत में अब तक कोरोना के 22,80,556 मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना के रिकवरी रेट में लगातार सुधार का सिलसिला जारी है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए मामले सामने आने के साथ देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 30 लाख के पार पहुंच गई है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनावों में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन के दौरान सत्र में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों से कहा कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती वे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। वहीं इसको लेकर डीएमके सांसद कनीमोझी ने नाराजगी जताई है और कोटेचा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा उन्हें निलंबित करने की मांग की है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड स्थित चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे बहुप्रशिक्षित परियोजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि 327 किलोमीटर लंबी इस रेल ट्रैक परियोजना के जरिए भारतीय रेलवे चार धामों को जोड़ने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, जिससे दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 81.49 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत योजना के तहत गैर निर्धारित व्यवसायिक उड़ानों और एयर बबल व्यवस्था के लिए एसओपी जारी किया है। आपको बता दें कि एयर बबल व्यवस्था को देशों के बीच व्यवसायिक यात्री उड़ानों का परिचालन दोबारा शुरू करने की अस्थायी व्यवस्था को कहा जाता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। इसके लिए सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई सुशांत मामले से जुड़े कुछ और लोगों से भी आज पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के मुरैना की कंपनी केएस ऑयल्स लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक रमेश चंद्र गर्ग समेत सभी निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा सीबीआई ने तहत 938 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के मामले में दर्ज किया गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 26 अगस्त से खोल दिया जाएगा, जहां इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर की वेबसाइट spst.in पर एक दिन पहले शाम 5 बजे से पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी और उन्हें बुकिंग की कॉपी और मूल आधार कार्ड के साथ लाना होगा।
दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार चार्जिंग स्टेशनों के इंस्टॉलेशन के मुद्दे पर चर्चा की है। गहलोत ने कहा है कि केंद्र ने आश्वासन दिया है कि शहर में 1000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिरी तक कोरोना वैक्सीन हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि कोरोना के वैक्सीन का पूरे देश को इंतजार है। पंजाब सरकार में सहकारिता और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कोरोना हो गया है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के जल्द ठीक होने की कामना की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोरोना मरीजों को समय पर बेहतर इलाज दिए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना मरीजों को अस्पताल में समय पर बेड मिल पा रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से करने को कहा है। बीजेपी के दो दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू यादव जेल से बाहर आ गए तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना और आसान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य दोनों की उपलब्धियां मुद्दा रहेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना के इस दौर में टीवी धारावाहिकों को और फिल्मों के निर्माण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फिल्मों और टीवी धारावाहिकों का निर्माण अब फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में अब एक ऐसा नया फीचर शामिल किया गया है जिसके मदद से कंपनियों को अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि ओपन एपीआई सर्विस नाम के इस फीचर के मदद से कर्मचारियों का डेटा देखने की प्रक्रिया में डेटा गोपनीयता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी हुई, जहां इस ऑनलाइन नीलामी में गांधी जी के चश्मे को 6 मिनट की बोली के बाद एक अमेरिकी कलेक्टर ने 2,55,00,000 रुपए में खरीदा है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले ऐसे ही तमाम खबरों से रह सकें अपडेट।